डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी शुक्राणु जनन की क्रिया, तथा जो आपकी ओजेनेसिस है अंड जनन की क्रिया, में क्या अंतर है। यानी डिफरेंस ऑफ बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन तथा ओजेनेसिस की क्रिया में क्या अंतर है, या कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो आपकी शुक्राणु जनन की क्रिया है वो, उसमें जो शुक्राणु जनन की क्रिया है उसमें मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि जो आपकी अंड जनन की क्रिया है, ओजेनेसिस की क्रिया है, उसमें फीमेल गैमेट मादा यौनक अंडे का निर्माण होता है या ओम का निर्माण होता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है यानी जो शुक्राणु जनन की क्रिया है वो नर जननांग यानी मेल गोनाड्स यानी टेस्टिस में होती है, यानी वृषणों में होती है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है यानी जो आपकी शुक्राणु जनन की क्रिया है वो आपके नर जननांग यानी मेल गोनाड्स यानी टेस्टिस में संपन्न होती है, जबकि जो आपकी ओजेनेसिस की यानी जो अंड जनन की क्रिया है वो फीमेल गोनाड्स यानी मादा जननांग यानी ओवरी में होती है। पहला जो अंतर है वो ये है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी जो आपकी शुक्राणु जनन की जो क्रिया है वो नर जननांग यानी मेल गोनाड टेस्टिस में होती है, जबकि जो आपकी ओजेनेसिस यानी जो अंड जनन की क्रिया है वो फीमेल गोनाड्स यानी मादा जननांग यानी ओवरी में होती है। नेक्स्ट है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो आपकी शुक्राणु जनन की क्रिया है वो टेस्टिस में यानी जो वृषणों में जीवन भर जाती रहती है, यानी लाइफ टाइम होती है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है यानी जो शुक्राणु जनन की क्रिया है वो टेस्टिस में यानी वृषणों में जीवन भर यानी लाइफ टाइम जारी रहती है, जबकि जो आपकी अंड जनन या जो ओजेनेसिस की क्रिया है वो निश्चित समय में ही वह निश्चित समय तक ही होती है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो शुक्राणु जनन की क्रिया है वो आपके टेस्टिस में यानी जो आपके टेस्टिस में जीवन भर जारी रहती है, जबकि जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है वो एक निश्चित समय में ही यानी पर्टिकुलर टाइम में ही तथा एक निश्चित समय तक ही होती है। नेक्स्ट है कि जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है यानी जो शुक्राणु जनन की क्रिया है उसके गुणनफल अवस्था के दौरान यानी जो उसका मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, जो गुणनफल अवस्था होता है गुणनफल अवस्था होती है उसके दौरान बनी जो आपकी शुक्रजनन कोशिकाएं हैं यानी जो आपकी स्पर्म मदर सेल्स या जो आपकी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो स्वतंत्र रहती हैं। यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है उसकी जो गुणन फेज है यानी जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो जो आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है उसमें जो आपकी गुणन प्रवस्था है यानी जो मल्टीप्लिकेशन फेज है उसके दौरान बनी जो शुक्रजनन कोशिकाएं हैं यानी जो आपकी स्पर्म मदर सेल्स या जो आपकी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो कोशिकाएं स्वतंत्र रहती हैं, जबकि जो आपकी अंडजनन की क्रिया है, ओजेनेसिस की जो क्रिया है उसमें बनने वाली अंडजनक कोशिकाएं यानी जो एग मदर सेल्स हैं या आपका ओसाइट हैं वो अंडपुटिका यानी फोली अंडपुटिकाओं का निर्माण करती है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उसके दौरान जो आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रवस्था होती है या जो आपकी गुणन प्रवस्था होती है दौरान बनी जो आपकी स्पर्म मदर सेल्स हैं या जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो स्वतंत्र रहती हैं, जबकि जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, अंडजनन की जो क्रिया है उसमें बनने वाली जो आपकी एग मदर सेल्स हैं या जो आपकी ओसाइट हैं वो अंडपुटिकाओं का निर्माण करते हैं, फॉलिकल सेल्स का निर्माण करते हैं। अगला जो है वो है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है उसके दौरान जो आपकी स्पर्म मदर सेल्स है या जो स्पर्मेटोसाइट है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। यानी
जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो शुक्राणु जनन की क्रिया है, उसमें जो आपकी स्पर्म मदर सेल्स हैं या जो आपकी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो स्पर्म का निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। जबकि जो आपकी अंडजनन की क्रिया है, यानी जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, उसमें केवल एक जो आपकी स्पर्म मदर सेल्स है या जो अंडजनक कोशिका है, जो आपकी ओसाइट है, वो बड़ी होकर अंडाणु का निर्माण करती है। यानी इसमें जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, उसमें सभी स्पर्म मदर सेल्स हैं, स्पर्मेटोसाइट हैं, वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। जबकि आपकी जो ओजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो अंडजनन की क्रिया है, उसमें केवल एक स्पर्म मदर सेल्स या जो आपकी ओगोनिया है वो बड़ी होकर के अंडाणु या अंडाणु कोशिका या अंडे का निर्माण करती है, अंड कोशिका का निर्माण करती है। जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो शुक्राणु जनन की क्रिया है, उसमें जो आपकी ग्रोथ फेज है वो छोटी होती है, तथा जो सभी जो स्पर्मजनक कोशिकाएं हैं, यानी जो आपकी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, स्पर्म मदर सेल्स हैं, उनमें समान वृद्धि होती है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो आपकी शुक्राणु जनन की क्रिया है, उसमें जो आपकी तीन प्रवस्था होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, उसमें जो आपकी ग्रोथ फेज होती है वो अवस्था जो आपकी ओजेनेसिस है उसकी तुलना में वृद्धि प्रवस्था है, ग्रोथ फेज है वो छोटी होती है, तथा इसमें जो सभी स्पर्म मदर सेल्स हैं, यानी शुक्रजनक कोशिकाएं हैं या जो आपकी स्पर्मेटोसाइट हैं, वो उनमें समान वृद्धि होती है। जबकि जो आपकी इसके विपरीत जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, उसमें जो वृद्धि प्रवस्था होती है वो बहुत लंबी होती है तथा कॉम्प्लेक्स होती है। यानी जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, वो जो ओजेनेसिस की क्रिया है उसमें जो आपकी ग्रोथ फेज होगी वो बहुत लंबी होगी तथा बहुत जटिल होती है, तथा दो प्रवस्थाओं में विभेद की जा सकती है। और जो आपकी ओजेनेसिस की जो क्रिया है, उसमें जो ग्रोथ फेज है लंबी होगी, जटिल होगी, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होगी, तथा जो आपकी ग्रोथ फेज है इसमें जो आपकी ओजेनेसिस है उसमें से दो प्रवस्थाओं में विभेद की जा सकती है। पहली है पूर्व पीतक जनन वृद्धि वृद्धि प्रवस्था, यानी प्रीवाइटल ओजेनेसिस ग्रोथ फेज, और दूसरी है पीतक जनन वृद्धि प्रवस्था यानी वाइटल ओजेनेसिस ग्रोथ फेज। इस प्रवस्था में केवल एक अंड कोशिका ही वृद्धि, यानी जो आपकी ओजेनेसिस है, यानी जो अंडजनन का जो क्रिया है, उसकी जो वृद्धि ग्रोथ फेज है वो बहुत लंबी होगी, जटिल होगी, तथा इसे हम दो प्रवस्था में विभेदित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। पहली है पूर्व पीतक जनन वृद्धि प्रवस्था यानी प्री वाइटल ओजेनेसिस ग्रोथ फेज, और दूसरी पीतक जनन वृद्धि प्रवस्था यानी वाइटल ओजेनेसिस ग्रोथ फेज। तथा ये जो ओजेनेसिस की क्रिया है इस अवस्था में, या जो इसकी जो ग्रोथ फेज की जो अवस्था है, जो अंडजनन की जो यानी जो ओजेनेसिस है उसकी जो ग्रोथ फेज है, उसमें केवल एक अंडे कोशिका है, उसमें ये ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। यानी जो ओजेनेसिस अंडजनन की जो ग्रोथ फेज है उसमें केवल एक अंड कोशिका है, उसमें ही वृद्धि होती है। अगला है नेक्स्ट है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है उसकी वृद्धि प्रवस्था में कोशिका द्रव्य आरक्षित खाद्य पदार्थों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया है, उसकी जो ग्रोथ फेज होती है, यानी जो वृद्धि प्रवस्था होती है, उसमें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा स्टोरेज जो खाद्य पदार्थ है, जो स्टोरेज यानी आरक्षित जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। जबकि जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, जो आपकी शुक्र जो आपकी अंडजनन की जो क्रिया है, उसकी जो ग्रोथ फेज है, उसके दौरान नेवल न केवल कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि होती है, बल्कि आरक्षित यानी स्टोरेज खाद्य पदार्थों का भी संचय भी अधिक होता है। यानी जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो अंडजनन की क्रिया है, उसमें उस क्रिया में वृद्धि प्रवस्था के दौरान यानी ग्रोथ फेज है, उसमें नियोकल कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि कि नहीं केवल साइटोप्लाज्म में है या जो कोशिका द्रव है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, बल्कि जो स्टोरेज फूड सबस्टेंस है यानी जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भी स्टोरेज होता है यानी संचय अधिक होता है। अगला है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है उसमें
दोनों परिपक्व में विभाजन है वो टेस्टिस में ही होते हैं। यानी जो अगला जो अंतर वो है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है यानी कि शुक्राणुजनन की क्रिया है उसमें जो आपके दोनों यानी दो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फेज है उसके बाद में दो मैचुरेशन स्टेज है उसमें दो डिवीजन होते हैं मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट एंड मैचुरेशन डिवीजन सेकेंड। तो जो दो जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया है उनमें जो मैचुरेशन डिवीजन होते हैं यानी परिपक्व विभाजन होते हैं वो टेस्टिस के अंदर होते हैं। यानी दोनों ही मैचुरेशन डिवीजन हैं वो टेस्टिस यानी वृषण के अंदर ही होते हैं। तथा जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है उसमें दोनों जो मैचुरेशन डिवीजन है परिपक्व विभाजन है वो ओवरी यानी अंडाशय के बाहर होते हैं। जबकि जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है यानी जो अंडजनन की जो क्रिया है उसमें जो दोनों मैचुरेशन डिवीजन है यानी दोनों परिपक्व विभाजन है वो ओवरी यानी अंडाशय के बाहर होते हैं। नेक्स्ट है कि जो आपके ओजेनेसिस जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है उसमें जो प्रथम व द्वितीय मैचुरेशन डिवीजन है वो जो डिवीजन है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के वितरण के आधार पर समान होते हैं। यानी जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है शुक्राणुजनन की जो क्रिया है उसमें जो प्रथम व द्वितीय मैचुरेशन डिवीजन होते हैं वो कोशिका द्रव डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म है उसके डिस्ट्रीब्यूशन इन वितरण के आधार पर वो समान प्रकार के होते हैं। तथा इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक है प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिका से यानी प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उससे चार स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। यानी जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है यानी जो शुक्राणुजनन की क्रिया है उसमें प्रथम तथा जो द्वितीय जो मैचुरेशन डिवीजन होते हैं वो कोशिका द्रव है उसके वितरण या उसके बांटने के आधार पर वो समान प्रकार के होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हमें जो प्रत्येक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे चार समान स्पर्मेटेड सेल्स का निर्माण होता है या चार समान स्पर्मेटेड सेल्स से प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जो आपकी ओजेनेसिस यानी जो अंडजनन की क्रिया है उसमें दोनों जो आपके मैचुरेशन डिवीजन है यानी जो परिपक्व विभाजन है वो जो कोशिका द्रव है उसके वितरण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर असमान होते हैं यानी समान नहीं होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक जो आपकी ओसाइट है यानी जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आपकी जो प्राइमरी ओसाइट है यानी प्राथमिक जो अंडकोशिका है उससे एक बड़ा ओवम या अंडाणु तथा तीन छोटी कोशिका द्रव विहीन यानी साइटोप्लाज्म रहित पोलर बॉडी का ग्रहण होता है। अर्थात जो आपकी ओजेनेसिस यानी जो अंडजनन की क्रिया है उसमें दो आपके दो मैचुरेशन डिवीजन होते हैं यानी दोनों यानी मैचुरेशन डिवीजन प्रथम तथा मैचुरेशन डिवीजन सेकंड यानी दोनों प्रकार के जो आपके परिपक्व विभाजन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर असमान होते हैं। यानी जो ये दो प्रकार के जो डिवीजन होंगे मैचुरेशन उनमें कोशिका द्रव है वो समान रूप से नहीं बांटा जाता है यानी जो कोशिका द्रव है उसके आधार पर ये असमान होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जो आपकी प्रत्येक प्राइमरी ओसाइट है उससे एक प्राइमरी ओसाइट से एक बड़ा अंडाणु यानी ओवम तथा तीन छोटी कोशिका द्रव विहीन यानी साइटोप्लाज्म रहित पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो शुक्राणुजनन की क्रिया है उसमें निर्मित स्पर्मेटेड सेल्स का शुक्राणु में कायांतरण होता है मॉडिफाई होता है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुजनन की क्रिया है उसमें जो आपकी निर्मित यानी फॉर्मेट स्पर्मेटेड सेल्स है वो आपकी शुक्राणु या स्पर्म में कायांतरित हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है या निर्मित स्पर्मेटेड सेल्स शुक्राणु का निर्माण होता है। जबकि इसके ऊपर जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है उसमें अंडाणु में
कोई कार्यांतरण नहीं होता है। मैं तो मैं कहता हूँ किसी प्रकार का कोई कार्यांतरण जो अंडाणु है उसमें नहीं होता है। जो ओजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो अंडजनन की क्रिया है, उसमें जो आपको अंडाणु जो प्राप्त होता है उसमें आगे किसी प्रकार का कार्यांतरण नहीं होता। नेक्स्ट है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो आपकी शुक्राणुजनन की क्रिया है, उसके फलस्वरूप लंबे गतिशील पूंछ युक्त शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो आपकी शुक्राणुजनन की जो क्रिया है, उसमें उसके परिणामस्वरूप हमें लंबे यानी लॉन्ग गतिशील यानी मूवेबल पूंछ स्पर्म का निर्माण होता है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया है, यानी शुक्राणुजनन की जो क्रिया है, उसमें हमें लंबे गतिशील पूंछ स्पर्म का शुक्राणु का निर्माण होता है। जबकि इसके ऊपर जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो अंडजनन की क्रिया है, उसके फलस्वरूप हमें गोलाकार गतिशील अंडाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप यानी ओजेनेसिस की क्रिया है, अंडजनन की क्रिया है, उसके फलस्वरूप हमें गोलाकार यानी राउंडेड गतिशील नॉन मूवेबल तथा पूछ रहे अंडाणु का निर्माण होता है। तथा जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो शुक्राणुजनन की क्रिया है, उसमें शुक्राणु के चारों तरफ निर्मित जो शुक्राणु हमें प्राप्त होता है, उसके चारों तरफ कोई सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण नहीं होता है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, जो आपके शुक्राणुजनन की क्रिया है, उसमें जो हमें शुक्राणु प्राप्त होता है, उस शुक्राणु के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो आपकी अंडजनन की क्रिया है, इस क्रिया में जो आपका ओवम है, अंडाणु है, उसके चारों तरफ प्राथमिक सेकेंडरी तृतीयक प्राइमरी सेकेंडरी तृतीयक अंड यानी एग मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। यानी जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, यानी जो अंडाणु जनन की क्रिया है, उसमें अंडाणु यानी ओवम के चारों तरफ तीन प्रकार के यानी प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अंड झिल्लियों का निर्माण होता है। यानी जो आपकी ओजेनेसिस की क्रिया है, उसमें जो अंडाणु का निर्माण होता है, उसके चारों तरफ प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एग मेम्ब्रेन का सुरक्षात्मक आवरण है, उसका निर्माण होता है। यानी तीन प्रकार के जो मेम्ब्रेन है, तो उसका उनको आपको जो पिछले वीडियो थे उनमें बताया था कि प्राय तृतीय प्रकार की जो एग मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की उनकी संरचना होती है। यानी जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, उसमें जो शुक्राणु प्राप्त होगा, उसके चारों तरफ कोई सुरक्षात्मक आरोप निर्माण नहीं होता है। जबकि जो आपकी ओजेनेसिस है, जो अंडजनन की क्रिया है, उसमें जो अंडाणु है उनके चारों तरफ प्राथमिक तृतीय अंडजनियों का सुरक्षात्मक निर्माण होता है। तो ये थे आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसका जो ओजेनेसिस है, यानी जो आपकी शुक्राणुजनन है तथा अंडजनन की क्रिया है, उसमें डिफरेंस। धन्यवाद।